सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी है। लाइट की स्टडी में कुछ फिनोमेनास ऐसे हैं जैसे कि कोई इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन, ऐसे फिनोमेनास जो कि एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, कि लाइट को ट्रीट किया जाए एज अ वेव। और कुछ फिनोमेनास ऐसे हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, जो कि एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ रे थ्योरी, कि रे ऑप्टिक्स मान के एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले न्यूटन ने अपनी थ्योरी बनाई थी, उसके बाद हाइगन्स के प्रिंसिपल आए थे, और हाइगन्स के प्रिंसिपल आज हम डिस्कस भी करेंगे, जो जिसने हमें इंडिकेशन दिया था कि लाइट की वेव नेचर है। और उसके बाद क्या हुआ था, यंग्स एक साइंटिस्ट 1801 में आया जिसने ये मैथमेटिकली प्रूव किया कि लाइट की सच में वेव नेचर है। उसके बाद मैक्सवेल ने भी साथ की साथ ईएम वेव्स के ऊपर काम किया था और पता लगा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था 1905 में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लाइट की फोटो नेचर भी है। तो बेसिकली अगर ऑप्टिक्स को डिवाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू फिनोमेनास, तो वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास कुछ हाइगन्स के प्रिंसिपल हैं जो ये बताते हैं कि वेव नेचर है एंड इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस कैन ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, और ऐसे डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो ये किस क्लासिफिकेशन में चला गया, वेव ऑप्टिक्स। और ऐसी कुछ फिनोमेनास ऐसे हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रे, उसको रे मान के लाइट को। तो कौन सा ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स। तो हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स से। तो हम स्टार्ट करते हैं विद वेव ऑप्टिक्स।